हाँ जी, क्या हाल चाल आप सबके। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने सितंबर 2024 में अपना एग्जाम देना है। और मैं मेनली डिस्कस करूंगा यहाँ पर हमारे पेपर पैटर्न के बारे में, टैक्सेशन के, और साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि 3 घंटे का जो पेपर है उसे अटेम्प्ट किस तरह से करना है, जिसके अंदर 15 मार्क्स को हमें कैसे यूज करना है, हमें जीएसटी पहले करना है या इनकम टैक्स करना है, डिस्क्रिप्टिव पहले करने चाहिए या एमसीक्यू बेस करने चाहिए, किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करना चाहिए, वो सारी चीजें आपके साथ में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं किसकी, पेपर पैटर्न की। आपको पता है मई 2024 वॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट जब न्यू सिलेबस का एग्जाम हुआ, सितंबर 2024 इज गोइंग टू द सेकेंड। तो अब आपके पास एडवांटेज ये है दैट दूसरी बार आपको पूरी तरह से क्लैरिटी है कि पेपर किस तरह से आने वाला है। 50 मार्क्स का इनकम टैक्स है, 50 मार्क्स का जीएसटी है, जिसके अंदर 30% पेपर हमारा यानी 15-15 मार्क्स का ईच एमसीक्यू बेस्ड आएगा और 35-35 का डिस्क्रिप्टिव आएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, दोनों के पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा हमें करना पेपर अटेम्प्ट किस तरह से करना है। एमसीक्यू की बात करूं 15 नंबर की, तो आपको पता है केस सिनारियो बेस्ड एमसीक्यू हमारे मेनली आते हैं। इसके अंदर हमारा अभी तक जो देखा गया है एमटीपीस के अंदर, जो अभी तक एमटीपी दोनों अटेम्प्ट किया है और जो एग्जाम में हुआ, एग्जाम का देखो मई 24 का एमसीक्यू बुकलेट बाहर तो आई नहीं, तब तक अलाउड नहीं था, और जो बच्चों से फीडबैक मिला है उसके बेसिस पे दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो एक केस सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन आएगा और उसी एक केस सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन के अंदर लगभग 5 क्वेश्चन इंक्लूडेड होंगे। ऑब्वियसली वो 2 मार्क्स ईच के होंगे, तो हमारा 5 क्वेश्चन होंगे ऑफ 2 मार्क्स ईच, तो 10 मार्क्स यहां से आ जाएंगे, और उस केस में बाकी 5 मार्क्स का जो पेपर होगा वो इंडिविजुअल एमसीक्यूज होंगे। वो दो दो नंबर के भी हो सकते हैं, एक एक मार्क्स के भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल एमसीक्यू मतलब जिनका केस सिनारियो से कोई लेना देना नहीं है, सेपरेट सेट ऑफ क्वेश्चन होगा और सेपरेटली हमारा वो क्वेश्चन चलेगा, किसी ना किसी एक चैप्टर को हिट करेगा वो। दूसरा पैटर्न ये हो सकता है जो एक दो एमटीपी में देखा कि 2 केस सिनारियो क्वेश्चन आ जाए। अगर 2 केस सिनारियो क्वेश्चन अगर हमारे आ गए तो उसके अंदर आप अगर ध्यान से देखो 4 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन मिनिमम इतने तो रहेंगे ही रहेंगे। तो 4 और 3 क्वेश्चन का भी अगर मैं केस सिनारियो मान लूं तो उस क्वेश्चन में क्या होगा, लगभग लगभग हमारा 12-13 मार्क्स तो केस सिनारियो ही ले जाएगा। और 12-13 मार्क्स अगर केस सिनारियो ले जाएगा तो कुछ 2 मार्क्स के होंगे, कुछ 1 मार्क्स के भी हो सकते हैं, तो वहां पर हमारे पास इंडिविजुअली के लिए सिर्फ 2 मार्क्स ही बचते हैं, तो हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन ही आएंगे। इस तरह से 2 तरह के हमने पैटर्न देखे हैं 15 मार्क्स के अंदर। इट कैन आइदर बी अ सिंगल केस सिनारियो, इट कैन और इट कैन बी 2 केस सिनारियो, बट एक चीज पक्का है 15 मार्क्स में मेनली इट विल बी डोमिनेटेड बाई केस सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन ओनली, इंडिविजुअल चैप्टर्स की कमी थोड़ी कम है। केस सिनारियो में आपको एक चीज पता ही है, हमेशा जो भी केस सिनारियो होगा उसमें कभी भी एक ही चैप्टर को हिट नहीं करेगा हमारा आईसीआई, एक से ज्यादा चैप्टर को हिट करेगा। बात करूं इनकम टैक्स के एमसीक्यू बुकलेट में पीछे लगभग 35-40 केस सिनारियो दे रखे हैं, जीएसटी में तो 40 से भी ज्यादा केस सिनारियो दे रखे हैं, आपने उनकी प्रैक्टिस करी होगी तो आपको पता होगा किस तरह से अलग अलग चैप्टर्स को हिट किया जाता है यहां पर, ठीक है। फिर बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव 35 मार्क्स की। इसके अंदर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होने वाला है वो मैंडेटरी एज यूजुअल, 15 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें कोई फर्दर पार्ट्स नहीं होंगे, मैंडेटरी क्वेश्चन रहेगा। 15 नंबर का क्वेश्चन है तो आप समझ सकते हो इसके अंदर 1-2-3 चैप्टर को हिट नहीं किया जाएगा, कम से कम 5 से 6 चैप्टर्स का एक साथ कवरेज इसके अंदर ली जाएगी। इंडिविजुअल का क्वेश्चन हुआ तो देर आर हाई चांसेस दैट, क्योंकि आपके अटेम्प्ट में फाइनेंस एक्ट 2023 के बाद 115 BAC जो हमारी है वो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम बन गई है, देर आर हाई चांसेस कि क्वेश्चन में आपसे ये लाइन लिखी हो, कैलकुलेट द टैक्स लाइबिलिटी इन द मोस्ट बेनिफिशियल मैनर। जब भी ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है तो इसका मतलब क्वेश्चन चाहता है आप उस इंडिविजुअल की टोटल इनकम दोनों तरह से निकालो, रेगुलर रिजिम भी और 115 BAC के हिसाब से भी दोनों टैक्स रेट अप्लाई करो एंड फाइनली अपनी कंक्लूजन को कि इस पर्सन को क्या करना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन 15 मार्क्स डिजर्व करते हैं, बट ऐसे क्वेश्चन कंपैरेटिवली थोड़े से कम लेंथी हो जाएंगे। अगर किसी एक रिजिम के हिसाब से क्वेश्चन आया तो ऑब्वियसली 15 मार्क्स तो रहेंगे ना, तो उस केस में क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, कवरेज ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स ज्यादा हो जाएंगी, तो दोनों तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। इसके बाद अगर बात करूं मैं, अच्छा इस क्वेश्चन के अंदर 15 मार्क्स के क्वेश्चन में आपकी प्रोपोर्शनल मार्किंग भी होती है, जितना जितना क्वेश्चन आपका सही होता चला जाएगा आपको उतने मार्क्स मिलते चले जाएंगे। बहुत कम बच्चे होते हैं जो 14-15 स्कोर कर पाते हैं, मेनली बच्चे जिनको अच्छे से आता होता है वो 10 से 13-14 नंबर तक ही स्कोर कर पा रहे हैं, और जिनको कम आता होता है उनको भी क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 प्रोपोर्शनल मार्किंग के बेसिस पे आप 0 का भी स्कोर नहीं करोगे, 5, 7, 6, 8 कुछ ना कुछ तो स्कोर करोगे, डिपेंडिंग ऑन आप कितना पोर्शन उसका करते चले जाते हो। इसे अटेम्प्ट कैसे करना है और कब करना है आगे मैं आपको बताऊंगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 की, तो इसमें ओवरऑल चॉइस रहेगी, कोई भी 3 क्वेश्चंस हैं जो ये 2, 3, 4, इसमें कोई भी आपको 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अच्छा ये जो 10-10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन करने होंगे 3 out of 3, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर इंटरनल चॉइस भी रहेगी। इंटरनल चॉइस का मतलब ये है कि वहां पर हो सकता है आपके 2 सब फर्दर सब पार्ट्स हैं। पहली बात तो तीनों क्वेश्चन के अंदर ना 5+5 के 2 सब पार्ट्स हो सकते हैं या 6+4 के भी हो सकते हैं, आमतौर पर क्वेश्चन 2-2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा।
अब जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा उसमें इंटरनल चॉइस भी है, यानी वहां पर जो पार्ट्स हैं उनके अंदर भी ऑप्शन रहेंगे। और आमतौर पर मैंने देखा है क्वेश्चन 4 के अंदर एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं दे रखा होता है, जो कि आमतौर पर रिटर्न ऑफ इनकम वाले चैप्टर से हो सकता है या किसी और चैप्टर से भी हो सकता है, बट आमतौर पर रिटर्न से देखा गया है। तो इस तरह से हमें ओवरऑल चॉइस को ध्यान में रखते हुए और क्वेश्चन 4 के इंटरनल चॉइस को ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड करना है कि हमें क्वेश्चन कैसे करनी है। एक चीज याद रख लीजिए, पहले से दिमाग में सेट कर लीजिए कि हमारा इनकम टैक्स और जीएसटी है ना, वो सेपरेट शीट्स पर होने वाला है, वो उसकी हमें अलग अलग शीट्स मिलेंगी। इस चीज को प्लीज याद रखिएगा, पार्ट ए अलग शीट पर होगा, पार्ट बी अलग शीट पर होगा। और बात करूं मैं एमसीक्यू की, उनके लिए तो अलग से ओएमआर शीट मिलेंगी, मगर जीएसटी और इनकम टैक्स प्लीज टेक केयर सेम शीट पे मत करके आना, क्योंकि उस केस में आपका पेपर इवैल्यूएट ही नहीं किया जाएगा। अलग अलग एग्जामिनर्स के पास हो सकता है इनकम टैक्स और जीएसटी की शीट जाए, तो इस चीज को प्लीज 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 ध्यान रखिएगा, बिल्कुल मतलब यहां पे गलती मत कीजिएगा। जीएसटी की बात करूं तो वहां पर अगेन 15 मार्क्स के एमसीक्यू होंगे, लगभग सेम पैटर्न ही रहेगा। वहां पर एक केस सिनारियो आ गया, 5 क्वेश्चन आ गए 2 मार्क्स के, 10 नंबर वहां पर आ गए, बाकी 5 नंबर इंडिविजुअल चैप्टर से। या 2 केस सिनारियो हो गया जिसके अंदर 12 या 13 मार्क्स की कवरेज हो गई और फिर बाकी का बचे हुए 1-2 नंबर जो है वो इंडिविजुअल चैप्टर्स के आ गए, मगर अगेन केस सिनारियो का ही दबदबा और यहां पर रहेगा, डोमिनेंस उसी की रहेगी। फिर बात करें यहाँ पर 35 नंबर के पेपर की, तो फिर से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा मैंडेटरी रहेगा, बट इस बार 15 नंबर का एक सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा, जिसके अंदर पहला पार्ट हमारा 10 मार्क्स का होगा, दूसरा पार्ट 5 मार्क्स का होगा। ध्यान दीजिएगा, इनकम टैक्स में एक ही फुल फ्लेज 15 नंबर का था, यहाँ पर 2 पार्ट्स में रहेगा। जो पार्ट नंबर 1 है वो डेफिनेटली आईटीसी की यूटिलाइजेशन करवाएगा और आपसे फाइनल टैक्स लायबिलिटी जो आपको कैश लेजर के थ्रू पे करनी है वो आपसे निकलवाएगा। यहां पर क्वेश्चन में हो सकता है 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं आमतौर के तौर पे इस पे। आप आईटीसी वाला चैप्टर जो हमारा क्वेश्चन बैंक में वहां पर देखोगे, मैंने लगभग आज तक के सारे एग्जाम क्वेश्चन उसमें डाल रखे हैं। पहली तरह के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आउटपुट टैक्स लायबिलिटी क्लियर कट दे रखी होती है, सिर्फ रेट अप्लाई करना होता है, और आईटीसी निकालते समय आपको सेक्शन 16-17 का दिमाग लगाना पड़ता है, आईटीसी एलिजिबल है या इनएलिजिबल है। फिर आईटीसी यूटिलाइजेशन करनी होती है, तो वहां पर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी निकालने के बहुत कम नंबर हैं। आईटीसी एलिजिबिलिटी निकालने के लिए वहां पर आपके 4 या 5 नंबर एलोकेट कर रखे हैं, फिर 2 या 3 नंबर आपके किसके रख रखे हैं हमने, आईटीसी यूटिलाइजेशन के। दूसरे तरह के क्वेश्चन होते हैं जहां पर आईटीसी सीधा सीधा दे रखे होते हैं, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में हम प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, वैल्यूएशन का पॉइंट डाल देते हैं, एग्जेम्पशन का पॉइंट डाल देते हैं, कॉम्पोजिट मिक्स सप्लाई डाल देते हैं, सप्लाई है या नहीं है वो डाल देते हैं, जो भी दुनिया जहां की कंफ्यूजन क्रिएट करनी है वो आउटपुट टैक्स में करते हैं। एक आखिरी तरह के क्वेश्चन वो हो सकते हैं जहां पर थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन दोनों के अंदर है, 2-3 पॉइंट हमने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में डाल दिए कंफ्यूजन वाले जिसके आपको मार्क्स मिलेंगे, 2-3 पॉइंट आपको आईटीसी में डाल दिए एलिजिबिलिटी वगैरह के, और लास्ट में यूटिलाइजेशन के आपके 3 या 4 नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन बोल सकता हूं मैं, जिसके अंदर आपको फाइनल टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। जो पार्ट नंबर बी है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो 5 नंबर का है और ये भी मोस्ट प्रोबेबली प्रैक्टिकल ही रहेगा। अकॉर्डिंगली हमारा यहां पर एक्सपेक्टेशन क्या है कि हमारी एग्जेम्पशन वाले चैप्टर से एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आ सकता है वहां पर, या फिर वैल्यूएशन से आ सकता है, थोड़े से चांसेस हैं टाइम ऑफ सप्लाई से भी आ सकता है, ऑल्दो टाइम ऑफ सप्लाई से 5 नंबर का क्वेश्चन आए मुझे थोड़ा रेयर लगता है, बट वैल्यूएशन और एग्जेम्पशन के आने के पूरे पूरे चांसेस हैं इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर, और ये हमारा कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन जाएगा 15 मार्क्स का। उसके बाद 2-3-4 के अंदर ओवरऑल चॉइस है, 2 क्वेश्चन करने हैं। इंटरनली जो होंगे हर क्वेश्चन वो 2 नहीं, इनफैक्ट 3-3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है जीएसटी के अंदर जो केस स्टडीज होती है ना वो 4-4-5 नंबर की नहीं आती, कोई भी एक का स्टडी 2 या हद से 3 नंबर की आएगी, तो यू कैन एक्सपेक्ट 3+3+4 हो, यू कैन एक्सपेक्ट 5+3+2 हो, इस तरह से इंटरनल पार्ट्स रहेंगे। 4 के अंदर इंटरनल चॉइस भी रहेगी, तो आपको डिसाइड करना है कौन से 2 क्वेश्चन आपको करने हैं 2-3-4 के अंदर से, और यहां पर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होंगे आपका, हर चैप्टर की वेटेज मैंने ऑलरेडी एबीसी एनालिसिस बनाकर आपको बता रखी है, वहां से चैप्टर की वेटेज आती चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि आईटीसी हमने यहाँ पे कवर कर लिया तो आईटीसी का अलग से क्वेश्चन नहीं आ सकता, ऐसे बहुत सारे अटेम्प्ट देखे हमने, यहाँ भी आईटीसी पूछ रखा है और अलग से भी जब क्वेश्चन पूछा है वहां पर भी आईटीसी का पॉइंट आ गया। इस तरह से पहले तो मैंने आपको बता दिया ये हमारा पेपर पैटर्न है। अब आते हैं जरा उन 3 घंटों के अंदर अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर। सबसे पहले हम यूज करें पहले 15 मिनट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर पेपर है। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी के अंदर हमें प्लान करना है आगे के पेपर को कि हमें क्वेश्चन करने किस सीक्वेंस में है। एंड लेट मी टेल यू, अगर आपके पेपर में आपने स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर लिया ना, तो बेशक आपको 100 मार्क्स का पेपर नहीं भी आता, बट अगर आप अपनी स्ट्रेंथ्स को स्टार्टिंग में रखें और फिर कम आने वाले पेपर को बाद में रखें, आपका माइंडसेट पूरा चेंज हो जाता है, आपका पेपर करते समय जो फ्लो होता है वो पूरा स्ट्रीमलाइन हो जाता है, और एग्जामिनर के ऊपर भी ना स्टार्टिंग में अगर अच्छा इंप्रेशन आ गया ना तो आगे वैसे भी वो थोड़े दिल खोल के नंबर देता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर को प्लान करना।
देखिए सबसे पहले 15 मिनट के अंदर आपको एमसीक्यू बुकलेट तो मिलेगी नहीं, तो उसका तो सवाल ही नहीं उठता। एमसीक्यू बुकलेट तो आपको बाद में मिलती है ना, रीडिंग टाइम खत्म होने के बाद। तो बात करें हम डिस्क्रिप्टिव की अगर, तो डिस्क्रिप्टिव के अंदर बच्चे क्या करते हैं, सीधा क्वेश्चन नंबर 1 इनकम टैक्स उठा के बैठ जाते हैं और उसी क्वेश्चन को पढ़ने पढ़ने में 8-10 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि उसको पढ़ने के साथ साथ ना तुम सॉल्व करने भी लग जाते हो, वो डॉट लगाना, स्टार लगाना, वो सब करने बैठ जाते हो और उसी के अंदर उलझ जाओगे ना, तो तुम्हें पहले क्वेश्चन के अंदर ही ना कहीं थोड़ा सा डीमोटिवेशन हो जाएगा। क्योंकि ऐसा ही सेड क्वेश्चन नंबर 1 पूरा आपको आता हो शायद चांसेस कम हो, बहुत बच्चों को नहीं आता। तो मैं कहूंगा क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ इनकम टैक्स अभी मत पढ़ो, शुरुआत करो इनकम टैक्स के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 से, फिर जीएसटी के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 इसको इस सीक्वेंस में रीड करो। अब रीड करते समय ना ज्यादा आपको उस समय उस क्वेश्चन पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि आओ चलो मैं सॉल्व ही करने बैठ जाऊंगा, उसको सॉल्व करने के लिए मिल रहा है टाइम। भाई अभी हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे ये आइडिया लेना है कि मुझे पेपर कितना आता है, ताकि मुझे पता लगे मैं कितने पानी में हूं और उस हिसाब से मैं प्लान करूंगा मुझे कौन सा क्वेश्चन करना है, कैसे नहीं करना। तो अभी सिर्फ रीड करना है और इस 15 मिनट में ये फिगर आउट करना है कि मुझे कौन से क्वेश्चन बहुत बढ़िया से आते हैं, उसके सारे पार्ट्स अच्छे से आते हैं, कौन से क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहां पर कुछ पार्ट आता है कुछ नहीं आता, कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरे थोड़े से डाउटफुल हैं, और अगर टाइम मिले तो क्वेश्चन नंबर 1 पे भी नजर डाल लो ताकि आपको मोटा मोटा पता लग जाए कौन से हेड ऑफ इनकम को यहां पर ज्यादा टच कर रखा है, कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन यहां क्रिएट कर रखी है। 15 नंबर के अंदर आपको एटलीस्ट ये पता लग गया कि अब मेरे को पेपर में मेरी क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेसेस हैं। अब जैसे ही आपको पेपर मिलता है एमसीक्यू बुकलेट अब आएगी आपके पास 15 मिनट खत्म हो जाने के बाद, तो अब पहला सवाल ये आया, सर पहले हमें एमसीक्यूज करने चाहिए या डिस्क्रिप्टिव करने चाहिए। मेरे हिसाब से आप सबसे पहले एमसीक्यू ही उठा लीजिए, इनकम टैक्स के भी और जीएसटी के भी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं बड़े ध्यान से सुनो, एमसीक्यू के अंदर ना एक चीज पक्का है, कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट होंगे ही होंगे और 15 नंबर के अंदर हम 15 मिनट के अंदर अंदर हम पढ़ भी नहीं पाए क्या कॉम्प्लिकेटेड है पॉइंट है। अब एमसीक्यू में कोई ये तो पंगा है नहीं कि यार हमें डिस्क्रिप्टिव करके आना है, वर्किंग मोड में टाइम रह गया मेरा पेपर छूट गया, मगर अगर इस एमसीक्यू को आपने लास्ट में किया ना तो जो इनके कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स हैं वक्त की कमी होने की वजह से, और उस समय तक आपके पेपर में दिमाग में प्रेशर आ चुका होगा बाकी 17 नंबर के पेपर का, तो उस प्रेशर के चक्कर में आपका लास्ट में एमसीक्यू कभी भी अच्छा नहीं हो पाएगा। तो फ्रेश माइंड के साथ बिल्कुल पेपर की स्टार्टिंग में आप अपने इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों के एमसीक्यू कर डालो भाई, जो दिमाग लगाना है अभी लगा दो, बाद के लिए छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाद में दिमाग और कम होता चला जाएगा और परेशान होता चला जाएगा। आप इसके ऊपर लगभग 20-25 मिनट इनके लिए रखो, 20 मिनट इसके लिए रखो, जीएसटी के लिए कंपैरेटिवली कम ही लगता है, इनकम टैक्स में हमें ज्यादा लगता है। यानी इन शॉर्ट कोशिश करो 40 मिनट के अंदर या एक्सट्रीम बोलूं तो 45 मिनट के अंदर अंदर दोनों के एमसीक्यू आपको निपटा देने हैं। और ऐसे जैसे कि मैंने बोला आपकी शीट्स अलग अलग होती हैं तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, और वैसे भी हमारे एमसीक्यू तो ओएमआर शीट में करने हैं, पहले एमसीक्यू निपटा दो। बचा कितना हमारा, 2 घंटे 20 मिनट बचे लगभग हमारे पास। अब इसके अंदर अगला सवाल है, सर पहले मैं इनकम टैक्स करूं या जीएसटी करूं। देखिए इसका आंसर टोटली डिपेंड करता है कि आपने स्टार्टिंग के 15 मिनट में क्या एनालाइज किया। देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका इनकम टैक्स स्ट्रांग होता है, जीएसटी वीक होता है, पढ़ के नहीं आए जीएसटी ढंग से। कुछ बच्चे जीएसटी स्ट्रांग लेकर बैठे होते हैं, इनकम टैक्स स्ट्रांग होता है, वीक होता है उनका। कुछ बच्चों को क्या होता है, दोनों इक्वल होते हैं बट इनकम टैक्स के क्वेश्चन देखकर लग रहे हैं लेंथी हैं, टफ हैं इस बार। कुछ बच्चों के केस में ये होता है कि यार इस समय ना मेरा इनकम टैक्स में एक आधा क्वेश्चन है जो मुझे अच्छे से नहीं आता, जीएसटी थोड़ा अच्छे से आता है। अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स हो सकते हैं 15 मिनट के अंदर। प्लीज टेक केयर, पहले तो आप एनालाइज करो आपने जो इन 15 मिनट में देखा है उसके बेसिस पे आपकी कौन सी चीज स्ट्रांग आ रही है। अगर आपका जीएसटी इस समय बहुत वीक जा रहा है तो आप इनकम टैक्स से स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपके दोनों इक्वली सेम पोजिशन पे हैं, सर दोनों के अंदर हमें कुछ क्वेश्चन आते हैं कुछ क्वेश्चन नहीं आते, तो इन दैट केस आप अगर चॉइस नहीं कर पा रहे तो मेरा पर्सनल एडवाइस है जीएसटी पहले करो। और उसका भी कारण है, जीएसटी के अंदर ना क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, इफ यू नो द कॉन्सेप्ट यू राइट इट एंड यू गेट द मार्क्स, मार्क्स काटने की गुंजाइश कम हो जाती है। यहां पर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आते हैं ना, सो कॉल्ड आईटीसी वाले, वैल्यूएशन वाले, प्रैक्टिकल के नाम पर क्या होता है, या तो टैक्सेबल करना है या टैक्सेबल नहीं करना, आईटीसी देना है या आईटीसी नहीं देना, कैलकुलेशन तो है नहीं और हर चीज का रीजन लिखते चले जाना है। तो इफ यू नो द कॉन्सेप्ट द चांसेस ऑफ द मिस्टेक आर वेरी वेरी लेस। सो जीएसटी आप पहली बात तो जल्दी कर पाओगे, मैंने यहाँ पर 2 घंटे 20 मिनट करे हैं ना, तो 140 मिनट हो गए, 140 मिनट को मैं 70-70 नहीं बांट रहा, यहाँ पर मैं 75 दे रहा हूँ, इसको मैं 65 दे रहा हूँ। आप जीएसटी 65 मिनट्स के अंदर कर सकते हो अगर आपको आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। और बाकी समय किसको दे दो, इनकम टैक्स को दे दो, क्योंकि इनकम टैक्स कंपैरेटिवली ज़्यादा समय लेगा यहाँ पर, इवन तक कि क्वेश्चन नंबर 1 ही 30 मिनट ले जाएगा, तो आप इनकम टैक्स को ज़्यादा समय दे सकते हो। पहले जीएसटी करने की कोशिश करो, अनलेस एंड अनटिल जीएसटी आपका बहुत वीक जा रहा है, आपको क्वेश्चन नहीं आते, ओनली इन दैट केस इनकम टैक्स करो। जीएसटी में भी कोशिश करो पहले जो ऑप्शनल क्वेश्चन है 2, 3, 4
उसमें क्योंकि सब पार्ट्स होंगे ना वहां पे छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, तो आप क्या करो 2, 3, 4 में से जो भी बढ़िया दो क्वेश्चन आते हैं उनको पहले करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 1 को कंपैरेटिवली कोशिश करो लास्ट में, क्योंकि वो लेंथी क्वेश्चन है, वहां पर अगर कोई एक आधा पॉइंट फंस गया ना तो टाइम वेस्ट करा देगा वो। ऑन दी अदर हैंड 2, 3, 4 आपका वीक जा रहा है, आपको लग रहा है यार इनमें तो कोई अच्छा क्वेश्चन है ही नहीं, तो 2 करो, मान लो 2 आपका बेस्ट क्वेश्चन है, पहले 2 करो फिर 1 करो फिर 3 या 4 में से जो भी करना है। सीक्वेंस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप 2 के बाद 1 कर सकते हो, 1 के बाद 4 कर सकते हो, इट इज टोटली योर चॉइस। आईसीएस सिर्फ इतना कहता है जो भी क्वेश्चन करो उसके सारे पार्ट एक साथ कर लेना। तो आपका सिंपल क्राइटेरिया ये होना चाहिए, मेरे को जो क्वेश्चन बेस्ट आता है मैं पहले करूंगा, जो सेकंड बेस्ट आता है वो बाद में करूंगा, और उसके बाद आखिरी क्वेश्चन वो करूंगा जो सबसे मतलब हल्का आता है मुझे। इस तरह से आपको ये इंश्योर करना है, मेरे को पहले स्टार्टिंग के 1 घंटे में या 1 घंटे 15 मिनट के अंदर अंदर आपको क्या करना है, ऐसा पेपर करना है जो आपको कॉन्फिडेंस दिलवा सके कि भाई मेरा पेपर बहुत बढ़िया जा रहा है, और अब बाकी के 1.5 घंटे के अंदर मुझे और पेपर में मार्क्स बटोरने हैं। अभी तक मेरे 40 से 45 नंबर का पेपर बहुत बढ़िया धांसू हो चुका है, अब मुझे किसी तरह से बाकी 40-45 नंबर का पेपर और बहुत बढ़िया से करना है। आप इस तरह से अगर पहले 1.25 घंटे को बिताओगे तो आपका आगे का पेपर अच्छा होगा ही होगा, ठीक है। इनकम टैक्स में मैं एडवाइस करूंगा कभी भी क्वेश्चन नंबर 1 पहले मत करो भाई, 30 मिनट लग जाते हैं लगभग, करने बैठ गए ना उसी में उलझ जाओगे, और बहुत कम बच्चे हैं जिनको वो पूरी तरह से आता होता है। हर बच्चा जब करने बैठता है ना उसके अंदर कहीं ना कहीं अटक ही रहा होता है, तो अटकने वाला काम लास्ट में करो। यहां भी 2, 3, 4 को देखो, पहले जो 2 क्वेश्चन बहुत बढ़िया से आते हैं आप उनको करो, फिर लास्ट में क्वेश्चन नंबर 1 उठाओ। और जो बच्चों को क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरह से नहीं आता, सबसे बड़ी मिस्टेक है टच ही नहीं करते डर के मारे। अरे टच नहीं करोगे तो बिल्कुल नंबर नहीं मिलेंगे। आप उसके अंदर ना एक फॉर्मेट बना दो, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम, उसमें पता इतना तो पता लग जाएगा कौन कौन से हेड ऑफ इनकम टच हो रहे हैं, इनकम डिक्लेयर सैलरी, अदर सोर्सेस, पीजीबीपी, सबका वर्किंग नोट नंबर 1, 2, 3, 4, जीटीआई डिडक्शंस का वर्किंग नोट नंबर 4, टैक्स लायबिलिटी का अलग से वर्किंग नोट, या उसी के अंदर मेन सॉल्यूशन में। अब क्या करो, जो जो चीजें होती जा रही हैं, जैसे आपको सैलरी आता है तो सैलरी वाले जो 4-5 पॉइंट है सैलरी का वर्किंग नोट बना दो, हाउस प्रॉपर्टी का वर्किंग नोट बना दो, डिडक्शंस इकट्ठी करके 5 डिडक्शंस हैं अगर 3-4 तो लिख ही डालो वर्किंग नोट के अंदर डाल दो। इस तरह से क्या होगा, आपको 15 नंबर का पूरा क्वेश्चन नहीं भी आता ना, अब प्रोपोर्शनेट करके कब 7-8 नंबर बटोर जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर आपको आता है फिर आप प्रॉपर वे में वर्किंग नोट बनाते चले जाओ और ऊपर आंसर लिखते जाओ, फिर टैक्स लायबिलिटी निकाल दो। इस तरह से आपको करना है। वर्किंग नोट का इतना ध्यान रखना है कि वर्किंग नोट भावनाओं में आकर इतने लंबे लंबे भी नहीं लिख डालने कि पेपर ही छूट जाए, और ऐसा भी नहीं करना कि बिना वर्किंग नोट के कर ले। मैं आपको क्लास में प्रैक्टिस कराते समय हमेशा बोलता हूं वर्किंग नोट टू द पॉइंट क्रिस्प लिखो, पूरे पूरे सेक्शन कोड करने की जरूरत नहीं है, अनलेस एंटेल इट्स अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, राइट। और लास्ट में टाइम डिवीजन जो है ना वो हमें एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम चेक करते रहनी चाहिए, कहीं मैं ज्यादा समय तो नहीं लगा रहा। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर मैं ज्यादा समय लगा रहा हूं, 5 मिनट कहीं ज्यादा लग गए तो टेंशन नहीं लेना, अब उस 5 मिनट को दूसरी जगह पे हमें कवर करना है। तो मोटा मोटा ढांचा मैंने आपको बता दिया। एक चीज याद रखिए, हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए हम 95 से 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। जितना ज्यादा हम पेपर अटेम्प्ट करके आ रहे हैं ना उतनी ज्यादा हमारी प्रोबेबिलिटी है कि हम एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे। सो ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलते हैं एग्जाम के बाद। आई होप आप सबके बहुत अच्छे मैसेजेस आएंगे एग्जाम के बाद और सबका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। टेक केयर, बाय बाय।